कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2023 में पूछा गया थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। तो थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री में से क्वेश्चन है, इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, दो लाइन का इक्वेशन हमको दिया गया है, एक्स प्लस रूट सिक्स अपॉन टू इज इक्वल टू वाई माइनस रूट सिक्स अपॉन थ्री इज इक्वल टू जेड माइनस रूट सिक्स अपॉन फोर, एंड दूसरा इक्वेशन है एक्स माइनस लैम्बडा अपॉन थ्री इज इक्वल टू वाई माइनस टू रूट सिक्स अपॉन फोर इज इक्वल टू जेड प्लस टू रूट सिक्स अपॉन फाइव इज सिक्स। लेकिन ये इज सिक्स है क्या? तो वो है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देन द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्बडा। तो हमको क्या करना है, जो लैम्बडा भाई साहब है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो जब भी आप याद रखिए कि JEE का क्वेश्चन आप कर रहे हो, तो एक क्वेश्चन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कंपलसरी होगा ही। आपको ऐसे कोई वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए, या फिर आपको बोला जाए कि दो लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन होना कंपलसरी ही है। तो देखते हैं इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो गिवन जो डिटेल्स है उसमें से क्या क्या निकलता है, हमको क्या दिया गया है वो लिख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे हमको एक्स वन वाई वन जेड वन वो ये हो जाएगा। तो वो हमको दिया गया है, एक्स माइनस होता है लेकिन यहाँ पे प्लस है तो माइनस रूट सिक्स, वाई माइनस है तो रूट सिक्स, जेड माइनस है तो रूट सिक्स दिया हुआ है। चलिए, उसी तरह से हमको एक्स टू वाई टू एंड जेड टू भी मिल जाएगी। क्या हो जाएंगे, माइनस लैम्बडा है तो ये लैम्बडा हो जाएगा जो हमको फाइंड आउट करना है, ये हो जाएगा टू रूट सिक्स एंड ये हो जाएगा माइनस टू रूट सिक्स इसके ऊपर से। चलिए, ये तो हमको मिल गया। अब दूसरी वैल्यूज कौन सी, ए वन बी वन सी वन, जो कि है डायरेक्शन रेशियोज जो हमको दिए गए हैं टू थ्री फोर, वो हो जाएगी टू थ्री फोर। उसी तरह से ए टू बी टू एंड सी टू क्या हो जाएंगे, थ्री फोर एंड फाइव, थ्री फोर एंड फाइव। तो डिटेल्स हमने लिख ली है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को शॉर्ट में ही लिखते हैं एस डी। उसकी फॉर्मूला आपको याद रखनी है, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन। बाकी के दो डिटरमिनेंट में आएंगे डायरेक्शन रेशियोज, यानी कि ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू। डिवीजन में अगेन डिटरमिनेंट ऑफ आई जे के का, सिमिलरली ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू। चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी कि लैम्बडा माइनस रूट सिक्स, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस रूट सिक्स। वाई टू माइनस वाई वन, यानी कि टू रूट सिक्स माइनस रूट सिक्स। जेड टू माइनस जेड वन, यानी कि माइनस टू रूट सिक्स माइनस रूट सिक्स। ए वन बी वन सी वन, यानी कि टू थ्री फोर, ए टू बी टू सी टू, यानी कि थ्री फोर एंड फाइव। डिवीजन में आ जाएगा आई जे के टू थ्री फोर, थ्री फोर एंड फाइव। चलिए, डिटरमिनेंट को सॉल्व करना तो आता ही होगा। चलिए, सबसे पहले लैम्बडा प्लस रूट सिक्स वैसे का वैसा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 15 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 16, ये क्या हो जाएगा, टू रूट सिक्स माइनस रूट सिक्स, यानी कि रूट सिक्स यानी कि माइनस रूट सिक्स। टू इंटू फाइव टेन,
माइनस थ्री इंटू फोर 12, प्लस माइनस टू रूट सिक्स माइनस रूट सिक्स यानी कि माइनस थ्री रूट सिक्स, कैलकुलेट 8 माइनस 9। डिवीजन, अभी टाइम बचाने के लिए ये जो है वो सेम रहेंगे, सिर्फ आई जे एंड के आएगा। आई 15 माइनस 16 माइनस जे 10 माइनस 12 प्लस के 8 माइनस 9। चलिए आगे देखते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, 6, तो वो 6 लिख लेते हैं। चलिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1, तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि यहाँ पे आ जाएगा माइनस लैम्ब्डा एंड ये हो जाएगा माइनस रूट 6। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस टू रूट 6 प्लस टू रूट 6। अब आगे ये हो जाएगा माइनस 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस थ्री रूट 6। डिवीजन में क्या आएगा, ये हो जाएगा माइनस 1 यानी कि माइनस आई, माइनस टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस टू जे, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 1 यानी कि माइनस के। अभी इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों साइड ले लेते हैं हम डिटरमिनेंट। चलिए ये हो जाएगा मोड 6, ये हो जाएगा माइनस लैम्डा। 5 5 रूट 6 माइनस रूट 6 यानी कि बचा क्या, प्लस 4 रूट 6। डिटरमिनेंट में है तो सबका स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। चलिए माइनस लैम्डा प्लस 4 रूट 6 अपॉन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 6। रूट 6 को भेज देते हैं मल्टीपल में यानी कि मोड 6 रूट 6। मोड को हटाएंगे तो इस साइड क्या आ जाएगा, माइनस लेमड़ा प्लस 4 रूट 6। मोड को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस 6 रूट 6 इज इक्वल टू माइनस लेमड़ा प्लस 4 रूट 6। इसको भेज देते हैं सामने तो लेमड़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 रूट 6 प्लस और माइनस 6 रूट 6। अगर प्लस लेंगे तो क्या होगा, 10 रूट 6 एंड माइनस लेंगे तो 4 रूट 6 माइनस 6 रूट 6 यानी कि माइनस 2 रूट 6। दोनों की वैल्यू मिल गई, तो लैम्ब्डा की दो वैल्यू पॉसिबल हुई, 10 रूट 6 एंड माइनस 2 रूट 6। अभी ये लाइन ध्यान से समझिए, देन द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल्स वैल्यू ऑफ लैम्ब्डा देन द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यू, यानी कि पहले आपको उसका स्क्वायर नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं है, ऑप्शन दिए हुए होते तो जो आंसर आएगा वो भी उसमें होता। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर डायरेक्ट नहीं करना है, सबसे पहले उसका क्या करना है, सम यानी कि इन दोनों का एडिशन यानी कि 2 रूट 6 माइनस है तो -2 रूट 6 क्या होगा, 8 रूट 6। अभी 8 रूट 6 जो मिला उसका क्या करना है, सम, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 इंटू रूट 6 का स्क्वायर 6 यानी कि इन दोनों का मल्टीपल होगा 384 यानी कि हमारा आंसर हो गया 384 जो हमको पूछा गया था। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इसका इन दोनों का स्क्वायर करके उसका एडिशन नहीं करना है, उस इस तरह से करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा।